कब से आपके इंतजार में खड़ी हूँ, मैंने आपसे कहा है लादे, रात से नहीं है घर में। हाँ तो भाई कहाँ से लाके दूँ, क्या मतलब इतना लेना होता है, इतनी परचेजिंग बढ़ गई है। किस चीज़ की परचेजिंग, रेट डबल हो गए हैं, जो चीज़ें 6,000 की आती थी वो 12,000 की लेनी पड़ती है, क्या करें। 550 भी नहीं थे आपके पास एक पैकेट लेने के, सामान लेना था इसलिए पहले जो सामान जरूरी था, 600 भी नहीं थे, 600 भी नहीं थे। जब से हम उठे हैं फातिमा ज़ारा इस झूले पे बैठी हुई थी, 2 घंटे हो गए हैं, वो कहती है झूले पे ही बिठाए रखो, नीचे लेट गया हमने उतारा है तो क्या है, झूले पे बैठना है, 2 घंटे हो गए लटकी हुई थी बांदरी की तरह, देखो झूले को देख रही है, झूले पे बैठना है। ये आटा लाए हैं मेरे ख्याल में 2 किलो लग रहा है मुझे, और ये आखिरकार ऑयल आ गया लड़ाई के बाद, कौन सा लिया, सुल्तान वाला लिया। और ये हम लेते होते हैं 1 किलो दूध, और उसमें डालते होते हैं हम आधा किलो से भी ज़्यादा पानी, तब जाके ये पतला पंगा दूध बनता है, और इससे सारे चाय पीते हैं। ज़ाहिर है नाश्ते में चाय ना हो तो फिर किस चीज़ से नाश्ता करें। आज पकाना क्या है, बिरयानी। हाँ ये बिरयानी कह रही है, बिरयानी 600 रुपये किलो तो खाली चिकन ही है, बिरयानी बनाएंगे बिरयानी। अब हर चीज़ महंगी है तो फिर आप कुछ भी ना खाएं पकाएं। नहीं कुछ भी ना खाएं, वो तो चाहते यही हैं आपके वजीर आजम साहब भी, फिर मारेंगे और महंगाई होगी। क्यों महंगाई होगी, और के पैसे हम नहीं भर रहे हैं सारे, क्यों हम क्यों भर रहे हैं उनके याशियों के पैसे, हम भर रहे हैं टैक्स, हम पे लग रहा है सारी चीज़ें हम ही भर रहे हैं। तो अब हम कुछ भी ना खाएं पिए, नहीं आमिर साहब अब हम कुछ भी ना खाएं पिए, जो चीज़ कहते हैं आप कहते हैं ये भी महंगी है, ये इसके भी पैसे नहीं है, इसके भी पैसे नहीं है, जहर ला दो, जहर भी खालिस नहीं है, मरता नहीं बंदा, ला तो दो क्या पता खालिस निकल आए, नहीं निकलता। हर चीज में बातें सुना के चले गए, महंगाई महंगाई महंगाई। आपके शोहर ना मेरी इतनी सारी बेइज्जती करके जा रहे हैं, ऑयल की बात की, हाँ जी आपके चलो हम दोनों के मुश्तर का शोहर बेइज्जती करके जा रहे हैं मेरी। मैंने कहा ऑयल रात से नहीं था, तो कहते कहाँ से लाता, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा अभी पकाना क्या है, फिर हानिया कहती बिरयानी बनानी है, तो कहते बिरयानी को तो भूल ही जाओ, 600 रुपये किलो चिकन है, कहते वो तो भूल ही जाओ, चिकन भी और चावल भी महंगे हैं। हाँ वही तो मैंने कहा, हाँ ऑयल तो खैर अभी मैंने मंगवा लिया, आटा भी ले आया, ऑयल भी ले आया। मैंने कहा अच्छा जहर ला दो, कहते वो खालिस नहीं मिलता। दे लो पैसे, किस चीज़ के, आलू पका लेना इसके, आलू पका लूँ सिर्फ और कुछ नहीं, आप हलाल थोड़ी हैं जो मैं आपको पका लूँ साथ में। कौन सा खून चूस रहे हम आपका, महंगाई के गुस्से हम भी क्यों निकाल रहे हैं आप। ये लें जी आपके शोहर देगी आलू पकाए, मुबारक हो आपको ये पैसे, गुस्से से दरवाज़ा बंद करते गए, महंगाई ने तबाह करके रखा हुआ है, महंगाई ने बंदे के दिमाग ख़राब हो गए। खैर है सबके दिमाग यहाँ ख़राब हुए हैं आज, मुझे भी ना यार बस महंगाई की वजह से तंग हो गया, क्या करें इस महंगाई का क्या इलाज है, मैं खुद बहुत सारी आवाम मर जाए यही तो चाहते हैं हमारे हुक्मरान, नहीं हम मर गए ना, नहीं 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 हमारे हुक्मरान ये नहीं चाहते कि हम मर जाए, हम मर जाएंगे ना तो फिर वो उनका ख़जाना कौन भरेगा, वो टैक्स किससे खींचेंगे, किसकी खाल उतारेंगे टैक्स के ज़रिए, और ख़जाने भरेंगे और फिर वो ख़जाने खाली करेंगे कैसे, वो ये नहीं चाहते हम मरें, ना 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 आपका क्यों दिल डूब रहा है, खैर है ये ताज़ा आटा आया है और हानिया गूंद रही है, ज़रा ज़्यादा ही गूंद लो, सुबह नाश्ता नहीं किया था आपने, क्यों क्यों आटा नहीं था कम था है, ये हाल हो गए हैं हमारे घर के, कभी भी नहीं हुए थे ऐसे, ऑयल भी नहीं था, ऑयल भी नहीं था, ऑयल भी नहीं था, दोनों चीज़ें। फातिमा बस आप उतर जाओ, ओहो ये क्या 20-30-60, और भाई इसके प्याज थोड़ी आएंगे, प्याज के तो देखे नहीं गए पापा वैसे, बस फिर खाली आलू पका लें आप, पानी में डाल के ना आलू बॉयल करके ना, हाँ ऐसे ही करें, ऐसे ही करें, क्या करें भाई क्या क्या पूरा करें, वो बात उनसे करते वो ऐसे देख देखा है इसने गुस्सा करते हैं, उनसे ज़रा सी कोई बात करें तो। और शॉप पे भी मैंने फ़ोन किया ना, तो शॉप पे भी आदमी को बोल रहे थे पेट्रोल हमारे पैसों का, हमारे पैसों का, सही कह रहे हैं ना ये हुक्मरान हमें पागल समझ रहे हैं, ये हुक्मरान हमें पागल समझ रहे हैं कि अब हम वही जाहिल कौम है पुरानी, इनकी सारी बातों में आएंगे, आज भी ये 50 साल पुरानी हमें क्या कहते हैं उसको बातें करते हैं, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, अबे हम भाई हमें सब पता चलता है क्या हो रहा है, किसके ख़जाने में कितना पैसा है, और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कितना पैसा है और गया किधर, हमें सब पता है। ऑयल कम लगाने की वजह से ना पराठे की शक्ल ऐसे रुखी रुखी होती है, तो मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, चाय और पराठा। फातिमा ज़हरा आ जाओ आपको नाश्ता कराऊँ, आ जाओ
मुंह सुझा के बैठी हुई फातिमा, कहती बाहर लेके जाओ। अब मैंने प्रेम में बिठा दिया, वो कहती चला क्यों नहीं रहे। फातिमा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, अरे कहाँ जा रही हो, अस्सलाम वालेकुम कह दो, अस्सलाम वालेकुम कह दो। अच्छा आओ चले, हाँ नहीं चलाओ प्रेम इसकी। ओए माशाल्लाह मेरी बेटी की मुस्कुराहट निकली है फातिमा की। जब तक हम प्रेम ना चलाए ना, इसको यकीन नहीं आता कि मुझे पता नहीं बाहर लेके भी जाएंगे या नहीं, है ना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आगे चल के एक वीडियो लगाऊंगी। रात हमारा इलाका पास ही है, इधर पीछे ही है बोस्टर रोड, वहाँ पर ये डकैती हुई है। और आप देखें किस दीदा दिलेरी के साथ ये डकैती हुई है। ऐसे लग रहा है मुल्तान नहीं है, कराची है ये। ठीक है माना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान डकैतियाँ और चोरियाँ शुरू कर दे। तो पता नहीं कौन है जो इनको पकड़ेगा और इनको रोकेगा, वरना ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और मिडिल क्लास और आम आदमी का जीना मुश्किल तो पहले ही है, मुश्किल तर हो जाएगा। मैं अब बाहर निकली हुई हूँ और व्लॉगिंग कर रही हूँ, फातिमा ज़ारा को सैर करा रही हूँ। लेकिन मुझे भी डर लग रहा है कि पता नहीं बाइक वाले जब साथ से गुजरते हैं ना, तो मुझे डर लगता है। और मुझे लगता है पता नहीं कौन सा बाइक वाला आके करीब आके रुके और कहे मोबाइल दो। मेरे पास तो ये एक ही मोबाइल है, वो भी सेकंड हैंड, और उसको तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे डाकू को इस मोबाइल के, लेकिन मैं लुटी जाऊँगी। और मैं और मोबाइल तो ख़रीदने की फ़िलहाल इस्तेदात नहीं रखती। हमारे अपने घर के हालात इस कदर ख़राब हैं कि रात आमिर से कहा था कि ऑयल ख़त्म हो गया, ऑयल का पैकेट लेके दें। तो उन्होंने कहा मैंने सुबह परचेजिंग करनी है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रात को ऑयल लेके दे सकूं, मैं कल लेके दूंगा यानी आज। तो आज ज़ाहिर है अब सुबह सुबह आठ बजे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो ऑयल नहीं था। इन्होंने सूखी रोटियाँ बगैर ऑयल के जो होती हैं, मतलब पराठा नहीं बना सके, सादा रोटी बना के इन्होंने खाई। अल्लाह जाने कैसे खाई, इन्होंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की रोटी नहीं खाई। मैं तो फिर आदी हूँ, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक गाँव से है, तो मैं हर तरह की चीज़ों की आदी हूँ, हर तरह के खाने की, सादा वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग आदी नहीं है। तो मैं रात यही सोचते सोचते सोई थी कि पता नहीं सुबह ये नाश्ता कैसे बनाएंगे और दुआ क्या खा के जाएगी। तो फिर मैंने सुबह उठ के पूछा तो उस बेचारे ने बताया कि उन्होंने सूखी रोटी खाई। मुझे बहुत हैरत है इस बात पे कि इन्होंने कैसे खा ली। अब एक बाइक वाला यहाँ से गुजरा, मुझे तो डर लगने लग गया। शक्लें उनकी मशकूक से थी, अजीब से हो रही थी, जैसे डाकुओं के होते। मुझे तो डर ही लगे जा रहा है, मैं सोच रही हूँ घर ही वापस मुड़ जाऊँ। मेरा मोबाइल चला गया ना तो मेरा क्या बनेगा। प्यारी शिप्स फातिमा पुरजोश हो गई है, उसको बहुत अच्छी लग रही है। गेटो है, ओरियो है, बड़े ओरियो हैं, हाँ बड़े ओरियो हैं फातिमा, बड़े ओरियो हैं ये। चलो बस घर चलें, चलो घर चलें। बाबा ब्लैक शीप, वो है ब्लैक शीप, ब्राउन शीप, ये वाली वाइट शीप, और ये वाली कौन सी ऑफ वाइट शीप, और वो मिक्स शीप, वो ब्राउन शीप। फातिमा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, ये वही वाली है, देखो शब पे वूल भी है। फातिमा सोच में पड़ गई पोएम सुन के। फातिमा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, वो कहती मुझे उतारो, मैंने इनको पकड़ना है। चलो 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 नीचे चलो, ओह सॉरी घर चलो, चलो घर चलो, हानिया मोड़ो भाई। वो तो कहती मुझे उतारो, मैं शीप्स को प्यार करूँ, किसी ने टक्कर मार दी ना तो मज़ा आ जाना है फातिमा को। ओए मारती तो नहीं है। अभी पास से जो भी बाइक वाला गुजर रहा है ना, मुझे मशकूक ही लग रहा है कि कोई मेरा मोबाइल ना छीन ले। तो मैं भाई जल्दी जल्दी घर जा रही हूँ, मुझे तो डर ही लगे जा रहा है। तो पीछे शीप्स खड़ी थी ना, तो वहाँ से तीन लड़के साथ से गुजरे हैं, वो आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि एक बकरा यहाँ से उठा लें। बेशक मजाक में कर रहे होंगे भाई, मैं तो सुन के डर गई, मैंने कहा मेरा मोबाइल ही ना छीन लें। बस आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और अपने मुल्क के लिए ढेर सारी दुआएँ करें। अल्लाह हाफिज़।